हत्या का पर्दाफाश, बुकिंग बोलेरो लूट की नीयत, ड्राइवर की गला दबाकर साक्ष्य छुपाने रेलवे ट्रैक में फेंके शव, आरोपियों ने योजनाबद्ध दिया हत्या को अंजाम। गौरेला बोलेरो ड्राइवर रोज की भांति अपने मालिक के निवास से रेलवे स्टेशन की टैक्सी स्टैंड में बोलेरो लगाया, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पखवाड़े के अंदर दूसरी घटना होने पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे, जिसकी गुम पुलिस अधीक्षक जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही आई कल्याण एलएसएला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा एसडीओपी गौरेला अशोक पाड़ेगांवकर के मार्गदर्शन में थाना गौरेला प्रभारी निरीक्षक युवराज सिंह तिवारी और क्राइम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी द्वारा लगातार गुम इंसान की जाँच की जा रही है। इसी दरमियान बिजुरी रेलवे स्टेशन में अज्ञात शव मिलने से थाना बिजुरी में अज्ञात मर्ग क्रमांक 34/22 धारा 174 जाफौ कायम कर जांच की जा रही थी। 9/9/2022 शव की पहचान गुम इंसान नंदू काशीपुरी के रूप में उसके परिजनों द्वारा की गई। तत्पश्चात लगातार जीपीएम पुलिस आरोपियों की पतासाजी कर रही थी। मुखबिर सूचना और साइबर तकनीकी सहयोग के आधार पर कुछ संदिग्धों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया। आरोपियों द्वारा मृतक को फोन कर बुकिंग हेतु ग्राम कुदरी पेंड्रा बुलाया गया। संदेह ना हो इस उद्देश्य से एक आरोपी की पत्नी को भी साथ में रखा गया। तत्पश्चात बुलेरो को चिरबिरी के रास्ते में ले जाकर बीच में ही मृतक की हत्या कर दी गई और साक्ष्य छुपाने शव को थाना बिजुरी रेलवे ट्रैक में फेंक दिया गया तथा गाड़ी का नंबर प्लेट बदल कर उसे बेच दिया गया। थाना बिजुरी से मर्ग डायरी प्राप्त होने पर थाना गौरेला में अपराध क्रमांक 384/2022 धारा 364 भादवी दंड विधान कायम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। प्रकरण संबंधी अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। प्रकरण की संपूर्ण कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, आरक्षक राजेश शर्मा, रवि त्रिपाठी, रामलाल खुराना, चौपाल कश्यप, उप निरीक्षक कमलेश शेंडे की विशेष भूमिका रही। जिला अनूपपुर पुलिस ने भी प्रकरण में पूरा सहयोग किया। जीपीएम पुलिस जिले में बुलेरो वाहन बुकिंग में लेकर ड्राइवर की हत्या कर बुलेरो लूटने की दो घटनाएं विगत 15 दिन में सामने आने सभी वाहन मालिकों से अपील की। बुकिंग में गाड़ी देने से पूर्व ग्राहकों की पर्याप्त पहचान कर उनका आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र फोटो इत्यादि खींच कर प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें, जहां इनकी जानकारी बुकिंग स्थल पर अंकित रहे, जिससे अपराधी भयभीत होंगे, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी, अपराध निराकरण में भी सहयोग मिलेगा। हुआ है तो पब्लिक से खास करके जो गाड़ी वाहन मालिक और ड्राइवर से अपील करते हैं कि कृपया जब भी हायर पे गाड़ी भेज रहे हैं उनकी पहचान करें ज़रूर, और यदि पुलिस की ज़रूरत है तो आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं, लेकिन इस घटना को इस तरह की घटना को रोकने के लिए स्वयं सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल तो हमें दोनों घटना के बीच में लिंकेज नहीं मालूम है, लेकिन इस तरह की गैंग्स अभी सक्रिय है, खास कर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, जो गाड़ी एक राज्य से हायर करके दूसरी राज्य में उसको डिस्पोज कर रहे हैं, तो इससे इस तरह के गैंग से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसमें एक आरोपी है जो मध्य प्रदेश जो रोहित यादव है, क्या नाम, रमाकांत सोनी जो है वो मास्टरमाइंड है, जो मध्य प्रदेश में हिस्ट्री शीटर है, इसके ऊपर कई अपराध दर्ज है और बाकी लोगों के बारे में भी रिकॉर्ड्स अभी हम लोग जांच कर रहे हैं।